एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। पर ऐसी कहानियां किसी को अच्छी नहीं लगती। Hey guys, welcome to another video on Anki Robot. Today's video is gonna be very special because it is not a book review kind of video or a tips giving kind of video. It is just a heart-to-heart conversation with all of you on a few aspects of life. 2015 में मैंने एक बुक पढ़ी थी एंड ऑल्दो मैं रोमांटिक नॉवेल्स के बहुत ज़्यादा फैन नहीं हूँ बट वो बुक मुझे बहुत पसंद आई थी। अभी आज मुझे वो बुक इसलिए याद आई क्योंकि मैंने आज एक मूवी देखी। ऑल्दो इतने सारे केओस के बाद में विच इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड देर वॉज वन मूवी विच वॉज रिलीज ऑन 24th of July। आई नो आप लोगों को तो पता ही होगा, तो मैंने वो मूवी देखी और वो मूवी यू नो इट मेड मी अगेन थिंक कि क्या हम लोग सही कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्या हम लोग खुश हैं अपनी लाइफ में, वेदर वी आर हैप्पी इन आवर लाइफ और नॉट, नो वन नोज दिस थिंग। तो यस, मैं बात कर रही हूँ दिल बेचारा के बारे में। दिल बेचारा जब मैंने देखी तो मुझे फॉल्ट इन आवर स्टार्स, वो बुक जो मैंने 2015 में पढ़ी थी, वो एकदम से रिकॉल हो गई उस टाइम पे। एंड व्हाट आई डिड इज, ऑल्दो मेरे पास वो एक बुक था, मतलब पेपर बैक बुक था मेरे पास, पर वो मेरे घर पे है एंड यू नो कि मैं यहाँ पे यूके में अभी स्टक हूँ। आउट ऑफ यू नो जस्ट कंपेयर दैट मूवी और वो बुक, मैंने वो बुक फिर से हियर किंडल पे खरीदी फिर से। एंड इफ यू विल सी द वर्जन ऑफ दैट बुक यू कैन सी दिस थिंग, दिस इज द बुक, यू नो दिस इज अ बुक, इट इज फॉल्ट इन आवर स्टार्स एंड इट वॉज रिटन बाय जॉन ग्रीन। और उस टाइम पे नो डाउट मैं इतना रोमांटिक नॉवेल्स नहीं पढ़ती थी बट ये हार्ट रेंचिंग स्टोरी को देखने के बाद में विद सच अ गुड एक्टर, यू नो वी ऑल नो सुशांत सिंह राजपूत एंड व्हाट हैपेंड विद हिम एंड व्हाई ही डिड इट, व्हाट ही डिड, नो वन नोज, नो वन हैज दैट आंसर और दैट क्लोजर। पर फिर भी यू नो दैट मूवी मेड मी टू रीड दिस बुक अगेन सो दैट यू नो आई कैन कंपेयर वो माइन्यूट डिटेल्स, दोज दे वर यू नो सरप्राइज एलिमेंट्स एंड दे वर सो गुड इन द मूवी कि अगर ज़्यादा बताएंगे तो जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए स्पॉयलर हो जाएगा, तो बेटर है कि मैं स्पॉयलर ना दूँ सब चीज़ों के लिए। फॉल्ट इन आवर स्टार्स बुक जो है वो किंडल एडिशन इज ऑफ 99 rupees एंड अगर आपको क्या कहते हैं पेपर बैक लेना है तो वो ऑलमोस्ट अराउंड 399 इस तरह से आ जाएगी आपको। तो इफ़ यू वॉन्ट टू यू नो रीड दैट बुक यू कैन रीड इट। और ऑब्वियसली आपने दिल बेचारा तो देखी ली होगी एंड यू वुड हैव लव्ड इट, आई नो दैट। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देखिए। उस पर्टिकुलर एक्टर की लेगेसी के लिए और उसकी मेमोरी को रिवाइव करने के लिए उन्होंने ये वाली जो मूवी है वो नॉन सब्सक्राइब पर्सन के लिए भी अवेलेबल करी है। तो पायरेटेड वर्जन ना देखते हुए और ऑनलाइन लीक्स को ना देखते हुए अगर आप रियल मूवी देखेंगे जहाँ पे ये जो पर्टिकुलर आपका प्लेटफॉर्म है जहाँ पे रिलीज हुई है तो उसको एक कंट्रीब्यूशन वी कैन थिंक ऑफ कि वो एक कंट्रीब्यूशन है उसकी मेमोरीज के लिए। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट, ये वीडियो सिर्फ उसके लिए है टू लिव अप टू योर लाइफ, नॉट घिसना नहीं है लाइफ को, अपनी लाइफ को जियो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिली के साथ जियो, ये वीडियो सिर्फ उस चीज के लिए है। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, फॉल्ट इन आवर स्टार्स जो है इसके ऊपर एक मूवी ऑलरेडी 2014 में रिलीज हो चुकी है एंड इट वॉज अ बिग सक्सेस एट दैट टाइम, एक्चुअल में नॉवल में एंड हॉलीवुड मूवी। द नेम्स ऑफ द एक्टर एंड एक्ट्रेसेस और द प्रोटैगनिस्ट आर हेजल एंड ऑगस्टस, दे बोथ आर गोइंग थ्रू सम टफ टाइम्स इन देयर लाइफ। और वो एक दूसरे से कैसे मिलते हैं, क्या होता है, हाउ दे फॉल इन लव एंड हाउ द यू नो इट इज क्वाइट अ सिंपल loving story actually I would say. अभी instead of me giving any spoilers, मुझे spoilers देने की जगह पे I would recommend कि आप ये book भी पढ़ें और ये movie भी देखें। आप compare भी कर सकते हैं no doubt, but according to me ये बहुत ही अच्छे से as it is written in the book बहुत अच्छे से एक story बनाई गई है, उसको बहुत ही अच्छे से portray किया गया है। We can see that you know Sushant Singh Rajput has done a brilliant job in this particular movie और वो उस particular book को और story को justify करता है। I would simply say that you know his
स्माइल इज मैजिकल. हम लोग नहीं सोच सकते कि यू नो आफ्टर व्हाट हैज हैपेंड यू नो इट फील्स वी कैन फील इट दैट यू नो व्हाट हैज हैपेंड विद हिम वी कैन फील इट एंड वी कैन सी दैट यू नो वो ही वाज मास्टर ऑफ हिज क्राफ्ट. तो यही चीज मैं बोलना चाहूंगी कि आपको ये मूवी जो है जरूर देखनी चाहिए और आपको ये बुक भी पढ़नी चाहिए. ऑब्वियसली इट इज अ ट्रैजिक लव स्टोरी एंड दोज ऑफ यू हु डोंट लाइक इट सो दैट इज यू नो योर चॉइस बट अकॉर्डिंग टू मी जस्ट टू सी द मास्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्राफ्ट एंड टू सेलिब्रेट लाइफ दिस इज व्हाट आई वुड से यू नो डोंट थिंक इन अ नेगेटिव वे. इस मूवी से रिलेटेड जो पॉजिटिव है उस पॉजिटिविटी है उसको ग्रैब करके रेदर देन नो गोइंग थ्रू द नेगेटिव थिंग्स. और सोशल मीडिया तो आजकल महान है ही है जिसमें सब कुछ सबको ट्रोल किया जाता है सब यू नो आई कांट थिंक अबाउट इट एज वेल. तो एक आई मीन इट विल बी गुड कि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव रहें तो वो ज़्यादा सही रहेगा. टॉकिंग अबाउट मूवी एज वेल मुझे ये मूवी इसलिए अच्छी लगी क्योंकि बहुत ही कम टाइम है. इट इज़ जस्ट अ स्मॉल मूवी ऑफ 1:40 ड्यूरेशन. तो बहुत कम टाइम में उन्होंने सब कुछ ए टू जेड सब दिखाया था. एवरी थिंग वॉज कवर्ड विच वॉज रिलेटेड इन द बुक. मतलब एक एक चीज द हैप्पीनेस द सॉरो द ट्रूथ एवरी थिंग वॉज मैजिकल. मतलब बहुत ही पसंद आया. इवन द सॉन्ग्स जो सॉन्ग्स थे वो ऐसे नहीं कि कोई भी आया कहीं से भी सॉन्ग आया और बस हो गया. नहीं द सॉन्ग्स वर परफेक्टली मैचिंग विद द सिचुएशन द कैरेक्टर्स वर इन. बहुत ही प्यारे सॉन्ग्स हैं. ऑब्वियसली एयर रहमान एवरी वन नोज हाउ इज. कमिंग बैक टू द बुक एक्चुअली जिसके लिए हम लोग यहाँ पे हैं भी. तो जो बुक है वो क्या कहते हैं उसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि उसमें जो एक्टर्स हैं दे आर हेजल एंड ऑगस्टस. एक्टर्स मीन्स कैरेक्टर्स. नाउ इट्स लाइक ऑल मिंगलिंग इन. हेजल इज 16 ईयर्स ओल्ड एंड ऑगस्टस इज 17 ईयर्स ओल्ड. और हाउ दे मीट एंड ऑब्वियसली दे आर सफरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिजीज. वो एक पर्टिकुलर डिजीज से सफर्ड है. तो आई डोंट नो मुझे बताना भी चाहिए कि नहीं कि किस डिजीज से. ऑब्वियसली यू विल गेट टू नो व्हेन यू वॉच द ट्रेलर ऑफ दैट मूवी या फिर जब आप क्या बोलते हैं बुक पढ़ेंगे भी तो आपको उसके बैक साइड पे पता चल ही जाता है. यू नो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन रहता है तो उस पर पता चल ही जाता है. तो I really enjoyed that particular thing a lot. तो वो बुक मुझे दोबारा पढ़ने पे I relive those memories which I had in 2015 as well. तो what I think कि हम लोग movies को और books को compare नहीं कर सकते हैं but इस particular case में they both are good. They both are the best. The version with the book and the version with the movie all is good and all is best. And in the remembrance of our own favorite hero as well. In the book, Hazel और Augustus दो novels exchange करते हैं which are their favorite. अभी Augustus थोड़ा सा frustrated है क्योंकि जो उसको novel मिलता है वो अधूरा है. तो वो बहुत frustrated है और वो जानना चाहता है कि ऐसा क्या हुआ और what happened, उसके mother के साथ क्या हुआ कि ये book अधूरी है. This is the same scene which is in the movie as well. पर उसमें सॉन्ग एक्सचेंज होते हैं. सॉन्ग एक्सचेंज इन द सेंस जो किजी है वो सॉन्ग सुनाती है इमानुएल को. तो ऑब्वियसली अभी इसी में आप देख सकते हैं कि लोगों को पता है कि लोग नॉवेल्स नहीं पढ़ते हैं और सॉन्ग सुनते हैं. तो इसीलिए दिस इज जस्ट द इंटरप्रिटेशन विच हैज हैपेंड. पर उसके अलावा सब चीज सेम है. एवरीथिंग एवरी सिंगल थिंग इज सेम. इन द एंड ऑफ दैट नॉवल ऑगस्टस एक चीज बोलता है एक स्टेटमेंट बोलता है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई तो मैं उसको रीड जरूर करना चाहूंगी. दैट इज गेटिंग हर्ट इन द वर्ल्ड इज अनअवॉइडेबल बट वी डू गेट टू चूज हुम वी अलाउ टू हर्ट अस. तो ये सही बात है कि हम लोग अपने लाइफ में हर्ट तो बहुत होते हैं. हर चीज पे हर्ट होते हैं. इसने ये नहीं बोला मुझे उसने वो नहीं बोला मुझे उसने मुझे ये लेके नहीं दिया या ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ. एक्चुअली वी ऑल आर क्राई बेबी इन आवर लाइव्स. हम लोगों को कोई ना कोई चीज के पीछे भागने की आदत है. हम सबको वी लॉन्ग फॉर सक्सेस. हमें सक्सेस मिल गई अरे मुझे एक घर बना लिया तो अच्छा है. अरे मुझे गाड़ी ले ली तो मेरे लिए बहुत अच्छा है. मेरा गोल कंप्लीट हो जाए. बट नो वन नोज कि एक्चुअली हम लोग इन सब चीजों के पीछे भागते भागते अपनी एक्चुअल लाइफ को ही भूल गए हैं. एक्चुअल लाइफ को भूल गए हैं इन द सेंस कि
हम लोग सिर्फ वो एक रैट रेस में चलते जा रहे हैं, और उस रेस में शायद हम अपने अपनों को भूल गए हैं। अपने अपनों को हम लोग साथ लेके चलते ही नहीं है। कितनी बार हम लोग अपने पेरेंट्स को कॉल करते हैं या कितनी बार हम लोग अपने सिबलिंग्स के साथ बात करते हैं? कुछ नहीं, वी डोंट डू। अरे मैं तो बिजी था, अरे मम्मा ये तो चल रहा था, अरे पापा मैं नहीं बात कर पा रहा हूँ। वी डू दिस ओनली, नो एवरी वन ऑफ अस डज दैट। हम लोगों को अपने गोल्स के पीछे भागने की बहुत, वी वॉन्ट एवरीथिंग इन अ शॉर्टकट वे। हमें बहुत जल्दी सब चीजें, सब सक्सेस चाहिए, तो वो चीज गलत है। हमें अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, अपनी लाइफ को एक मोटिव बना के नहीं चलना चाहिए। नो डाउट गोल्स आर इम्पोर्टेंट। हमारी लाइफ में अगर गोल्स ही नहीं होंगे तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। पर उस आगे बढ़ने की दौड़ में अगर हम लोग अपनी लाइफ एंजॉय ही नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। You might have, you know, materialistic things in your life, but you don't have your favorite people जिनके साथ आपको शेयर करना है। No doubt आपको 10th step पे पहुंच जाओगे, पर आपके पास कोई होगा ही नहीं। और अगर कोई होगा ही नहीं तो आप कैसे उसको शेयर करोगे, उस सक्सेस को किसके साथ शेयर करोगे? तो हमें अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहिए। This video actually is in the loving memory of that particular person who was intelligent enough to, you know, do anything with science, with physics, with astronomy, with mathematics, with calculus, anything which you can think of. So if something wrong can go with that particular person, हर किसी के साथ होता है, हमारे साथ भी होता है और होगा, क्योंकि ये लाइफ है। यू नो, लाइफ में सेटबैक भी आते हैं, लाइफ में आपको सक्सेस भी मिलती है, पर उसमें हमें अपनी फेवरेट पर्सन, हमारे जो क्लोज पीपल हैं, उनको भूलना नहीं चाहिए। यही एक चीज है, यही एक मैसेज है विच आई वॉन्टेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू से दैट, यू नो, लाइफ इज सो शॉर्ट, सो लिव इट टू द फुलेस्ट। स्टे ट्यून्ड, बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड कीप सेफ।